गायब होने के भूतिया पास से दूर हो जाओ वरना जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और वो क्यों होगी मैं आपको बताता हूँ। आदमी सोचता है कि 6 महीने के लिए गायब हो जाओ, आप यूट्यूब पर वीडियो देखते हो 6 महीने के लिए गायब हो जाओ, 3 महीने के लिए गायब हो जाओ, 1 साल के लिए गायब हो जाओ और फिर आके दुनिया को बता दो ये बदल देंगे ये बदल देंगे। तो भाई गायब हो गए आपकी प्रोग्रेस, आपकी मेजरमेंट, आपकी अपग्रेडेशन। तो धंधा बिजनेस कुछ भी चीज चलता है ना लोगों से चलता है। जिंदगी में कुछ करना है ना तो लोगों को समझना पड़ेगा, लोगों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, लोगों से सीखना पड़ेगा, लोगों को यूज करना पड़ेगा अपने बिजनेस के लिए, अपने धंधे के लिए, अपनी लाइफ के लिए। ठीक है, अगर कुछ भी आप करना चाहते हो, अगर कोई भी धंधा स्टार्ट करने की देख लो, अगर आप कोई भी काम अकेले नहीं कर सकते, मैं आपको बताता हूँ फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप सोच रहे हो कोई भी धंधा स्टार्ट करने की, आप धंधा अकेले स्टार्ट कर लोगे, आपको जनता आपकी दुकान पे चाहिए, व्यवहार चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट व्यवहार रहता है। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि आपको गायब लग, देखो अगर आपके आसपास के लोगों से लगता है कि आपको आसपास के लोगों से दिक्कत हो रही तो आपकी सिटी को लीव कर सकते हो, बट गायब होने के होतियापा में फंसोगे ना आपकी जिंदगी बर्बाद कर लोगे। द फर्स्ट रीजन कि आप लोगों से बात करना ही भूल जाते हो, आपका व्यवहार ठीक है ना, मैं फर्स्ट नंबर में क्या बोला मैंने कि लोगों से बात करना भूल जाते हो। व्यवहार, व्यवहार आपका इतना इम्पोर्टेंट होना चाहिए कि आदमी का व्यवहार से आदमी के पास पैसा होता है इतना मैटर नहीं करता। अगर जितना शानदार व्यवहार रहेगा ना, एक गरीब आदमी से भी आदमी इज्जत से बात करता है उसका व्यवहार की वजह से। ठीक है, व्यवहार कमाना पड़ता है, वो ऐसे ही नहीं मिल जाता। ठीक है, सेकंड कि अगर आप चाहते हो कि पर्टिकुलर स्किल आपको सीखनी है, ठीक मान के चलिए कम्युनिकेशन स्किल, कोडिंग या फिर कुछ भी चीज़, या फिर पर्टिकुलर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप आपकी सिटी लीव करो। गायब होने का मतलब नहीं, वहाँ पे जाओ, टीचर से मिलो, स्टूडेंट से मिलो, एनवायरनमेंट समझो, माहौल समझो और प्रॉपर तैयारी करो, बिजनेस दूसरों से सीखो। अगर आप सोचो कि घर में बैठे कमरे में बंद होकर आप सफल हो जाओगे, भाई साहब ये आपके सबसे बड़ा हुतियापा है, अगर इसको नहीं निकाला ना आप पूरी जिंदगी बर्बाद रहोगे। पिछले 5 साल से आप किसी से बात ही नहीं कर रहे, 4 साल से लोगों से बात करने में डर लग रहा है, पिछले दोस्तों से बात नहीं कर रहे और इस कारण से आप बर्बाद हो आज और आज के 5 साल भी बाद बर्बाद रहोगे। सेकेंड कि मनी प्रॉब्लम, देखो आप एक कमरे में बंद रहोगे ना कभी भी पैसा नहीं कमा पाओगे और पैसा नहीं कमाओगे ना तो जीवन कभी भी सुधर नहीं पाएगा। आप कितना भी गायब हो लो और गायब होने के अगर पैसा ही नहीं कमा पा रहे तो गायब होने का क्या मतलब। ठीक है, अगर आप लोगों के साथ रहोगे, लोगों के सामने रहोगे, लोगों को सपोर्ट करोगे तो आप पैसा कमा पाओगे, नहीं तो नहीं कमा पाओगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि कनेक्शन, नेटवर्क। देखो अगर आपको जितना बड़ा बिजनेस करना है, जितना पैसा कमाना है ना, जितना बड़ा नेटवर्क होगा ना उतनी ही बड़ी नेटवर्क होगी और तभी पैसा आप कमा पाओगे। अगर आप सोचो कि गायब हो जाएंगे, मोंको मोड में चले जाएंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, आप सिर्फ आपका समय, जिंदगी और लोगों की लाइफ बर्बाद कर रहे हो, आपके आसपास लोगों की, क्योंकि आप उनसे बात ही नहीं कर रहे। यू आर इम्पोर्टेंट फॉर देम, अगर उनके लिए आप इम्पोर्टेंट हो, कॉल पे तो बात करो, आप भले ही दूसरी सिटी में रह रहे हो, प्रॉब्लम में अपने घर वालों से बात करो। ये 3 चीज़ें आपका बहुत नुकसान करती हैं। ठीक है, तो ये आपको समझना पड़ेगा, अगर गायब रहोगे तो ये 3 नुकसान रहेंगे आपको, और अगर आपको सफल होना ना ये 3 चीज़ें आपको जीवन में करनी ही पड़ेंगी। मेरी एक आपसे लास्ट एडवाइस है, गायब होने की होती है आपसे, गायब होने से रिलेटेड 6 महीने गायब हो जाओ, ऐसी वीडियो देखना बंद करो, ये आपको मानसिक रूप से कमजोर बना रही है। ठीक है, आप चाहते हो कि सब अकेले रह के एक कमरे में बंद होकर होता तो हर आदमी अकेले रहता और सफल हो जाता। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा इस चीज़ को, बाहर निकलना पड़ेगा, अगर सफल होना है तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आप सबसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।